हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आप लोग ये सोच रहे होंगे काफ़ी दिन से हमने वीडियो क्यों नहीं बनाई है। एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही थी तो इसलिए हम अभी आ नहीं पा रहे हैं। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैं चाकू के साथ क्या कर रही हूँ, क्या आज कुकिंग का व्लॉग है हमारा? जी नहीं, आज कुकिंग का व्लॉग नहीं है। आज हमने कुकिंग करने के लिए कुछ खरीदा है, उसका व्लॉग है। तो आज हम उसकी अनपैकिंग करने वाले हैं। चलिए देखते हैं फिर इसमें है क्या। आज ये है, ये है इंडक्शन सन फ्लेम कंपनी का। हम पहली बार इंडक्शन यूज़ करने जा रहे हैं। कई लोगों ने हमें सजेस्ट किया है कि आप इंडक्शन यूज़ करो, तो आज हम पहली बार ही यूज़ करेंगे। उसके पहले हम दिखाना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर है। एक्चुअली हमने भी अभी देखा नहीं है। जिसने भी इंडक्शन यूज़ किया है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि इसको चलाते हुए क्या ध्यान रखना है क्या नहीं। और वैसे भी हम कुकिंग में इतना परफेक्ट नहीं है, जो थोड़ा बहुत चाय वगैरह बनाते हैं उसके लिए हमने ये ख़रीदा है। चलिए फिर इसके करते हैं इसकी अनपैकिंग। ये इसमें सबसे अच्छा ये लगा है मुझे कि इसमें हैंडल दिया हुआ है, मतलब आपको इसे कहीं भी कैरी करके ले जाने में परेशानी नहीं होगी। यानी एक पोर्टेबल डब्बा इसके साथ दिया हुआ है, जो उसको संभाल के रखें, जहाँ भी लेके जाना है ये इंडक्शन आपका इसके साथ सेफ चला जाएगा। और ये हैंडल जो है ये सबसे स्मार्ट फीचर लगा है मुझे अभी तक। लेट्स अनपैक दिस। के साथ हमें मैनुअल मिला है, मतलब इसे देखकर हम बना सकते हैं कुछ भी, इसको यूज़ करने का ये मैनुअल है। और इधर ये एक पैन भी रखा है, इसके साथ फ्री है। अब इसको अंदर देखते हैं इसमें है क्या क्या। यहाँ पे सारा लिखा हुआ है इसका कंट्रोल पैनल कि हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, मतलब टेम्परेचर वगैरह कितना रखा है, ये इम्पोर्टेंट सेफ गार्ड्स हैं, मतलब चलाते हुए क्या क्या सावधानियां बरती हैं। हालांकि इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की है हमारे लिए, पूरा लिखकर भेजा है कि कैसे हमें इसे चलाना है, चलाते हुए क्या क्या सावधानी रखी है। अब देखते हैं हम रख पाते हैं या नहीं। और लास्ट पेज पे इन्होंने दिया हुआ है सूटेबल कुकिंग वेजल्स, यानी कि हम इस पर कौन कौन से बर्तन यूज़ कर सकते हैं ये वाला। और इस मैनुअल के साथ में ये इसका है वारंटी कार्ड, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 ईयर, यानी कि इसका जो वारंटी पीरियड है वो 1 ईयर है। और इसका जो प्राइस है, जो एक्चुअल प्राइस है, वो इस पे लिखा है 4,470 रुपये, लेकिन हमें ये हमने कैंटीन से लिया है तो ये हमें 3,000 का पड़ा है। मुझे लगता है कि हमें काफ़ी फ़ायदा हो गया है। हमने काफ़ी दुकानों पर ट्राई किया था कि हमें इंडक्शन चाहिए, तो 4 से 5 हज़ार की रेंज में ही आ रहा था। तो हमने फिर कैंटीन में ट्राई किया। एक्चुअली मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, मेरे फादर आर्मी में थे तो उनके पास में कार्ड था, तो वही यूज़ करके हम इसे कम से कम 1500 रुपये का फ़ायदा करके लाए हैं। एक्चुअली पैसे भी उन्होंने दिए। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है इसके साथ, ये फ्री पैन आया है इसके साथ में। तो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये काफी बड़ा पैन आया है लिड के साथ, क्योंकि इसके लिए ना कुछ स्पेसिफिक जो हमारे डिशेज हैं वही
यूज़ करने होते हैं और हमारे पास वो है नहीं, तो हमने सोचा ये वैसे फ्री जिसके साथ ये फ्री स्टेनलेस स्टील का कुकिंग पैन नहीं था ना, उसकी कीमत और भी कम थी, लेकिन हमें अलग से तो लेना ही पड़ता, तो ये हमें फिर ऑफर अच्छा लगा, काफ़ी हमारे लिए सस्ता भी था, तो अलग से क्यों खरीदते, ये हमने लिया। अगर आप इसके बिना खरीदेंगे तो शायद आपको और भी सस्ता पड़ेगा ये। अब आते हैं अपने मेन प्रोडक्ट पे। ये है इसका एक्चुअल बिल जो हमें कैंटीन से मिला है। ये हमें इस पे प्रिंटेड रेट था 4470 रुपये और ये हमें पड़ा है 2831 रुपये का, जैसा आप देख पा रहे होंगे। अब आते हैं अपने मेन प्रोडक्ट पर। ये है हमारा इंडक्शन। ये लीजिए भाई, आ गया सनफ्लेम का इंडक्शन। ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ पे हम बर्तन रखेंगे, मतलब ये जो राउंड शेप आपको दी गई है इसका मतलब है कि हमारा बर्तन इसके अंदर ही फिट होना चाहिए, और जो ये परफेक्ट फिट है पैन इसके साथ जो आया है, और इसके बाद में ये हमारा बॉइलिंग वाटर, मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए इन्होंने अलग अलग बटन्स दिए हुए हैं। ये बॉइलिंग वाटर के लिए है, इडली है, मिल्क हीट करना है, करी है, राइस है, डीप फ्राई है, सूप है, प्रेशर कुकिंग है, यानी बेसिकली आप इस पर सभी कुछ चीज़ बना सकते हैं। और ये है मेन टेम्परेचर, और कितने टेम्परेचर पे क्या बनाना है वो इसमें लिखा हुआ है सब कुछ। ये आप अप करने का है, इससे अप होता है, इससे डाउन चले जाते हैं, आई मीन टेम्परेचर जो हम कम करते हैं वो ये बटन से अप करते हैं, इस बटन से। हम टाइमर भी सेट कर सकते हैं इसका, करंट वोल्टेज भी ये हमें बताता है, ये ऑन ऑफ का है। और इसमें एक और फीचर है, ये है फैन। ये फैन भी चलता है इसके साथ साथ। जब हम इसको ख़रीद रहे थे तो हमारा जो भैया जिसे जो हमें दे रहे थे वो कैंटीन में, वो बता रहे थे कि गर्म इंडक्शन को सीधे सॉकेट से प्लग नहीं निकालना है, आपको यहाँ से ऑफ करना है, और तब तक ये फैन ऑन है आपको वो सॉकेट से निकालना नहीं है, वरना ये जल्दी से ख़राब हो जाएगा। एक मिनट के अंदर अंदर जब आप यहाँ से ऑफ कर देते हैं तो ये बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद ही इसको अनप्लग करना है करंट से। तो ये था हमारा इंडक्शन का पूरा वीडियो। अब इस पे हम कल या परसों में कुछ बनाएंगे तो वो भी हम आपको ज़रूर ही दिखाएंगे, क्योंकि हमारी वीडियोस भी नहीं जा रही हैं, हम लोग ऐसे ही बस काम में लगे हुए हैं। तो बस यही था आज का इंडक्शन टूर। हम इसको ऑपरेट करके दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, सिर्फ ऑपरेट ही नहीं, इस पर कुछ अच्छा बना के भी आपको दिखाएंगे कि कैसे बनेगा, क्योंकि मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है इसमें कुछ भी बनाने का। आज तक वैसे खाना वाना मेरे को इतना आता नहीं है, पर कोई नई नई चीज़ आए तो उसे यूज़ करने का मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है। तो ये मैंने खोल लिया है और इसकी वीडियो आपको नेक्स्ट वाली ज़रूर मिलेगी। अब आप बताइएगा कि खाना कैसा बनेगा या कैसा बनाया, मेरे को बनाने के टाइम पे ही पता चलेगा। चलिए फिर आज की वीडियो में बस यही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में नहीं, कुकिंग वाली वीडियो में।